बेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर कपास बीज को लेकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पावती पर दो पैकेट के लिए सुबह से दोपहर तक इतनी भीषण गर्मी और कड़ी धूप में लंबी लाइन में किसान खड़े हो रहे हैं। किसान पैकेट के लिए महिलाओं और बच्चों को लेकर पहुंचे। जिले भर में कपास बीज को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद किसानों को दो पैकेट भी नहीं मिल रहा है। वहीं पास से 10 एकड़ खेत वाले किसान को बीज की जरूरत 10 से 12 पैकेट की है, लेकिन यहां तो दो पैकेट भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मजबूरी में किसानों को पत्नी और बच्चियों को लेकर लाइन में लगना पड़ रहा है। गर्मी के कपास की बोनी का समय आ गया है। बीज वितरण में केंद्र में सुबह 5 बजे से किसानों की लंबी लंबी लाइनें इतनी भीषण गर्मी में लगी हुई है। किसानों ने जब शोर मचाया तो कृषि विभाग ने दो काउंटरों और टेंट की व्यवस्था की, लेकिन आधे किसान टेंट पर और आधे बाहर धूप में खड़े रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कि ये 4G का जमाना आ चुका है, सभी चीज ऑनलाइन हो रही है। इसी तरह खाद बीज दवाई भी ऑनलाइन होना चाहिए, तभी किसानों की कुछ समस्या समाधान हो पाएगा। इसी तरह नहीं तो और भी आगे अगर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं चालू होता है तो खाद बीज दवाई के लिए इसी तरह किसान परेशान होते रहेंगे। सुबह से आए थे काकड़ा लेना, यहाँ लाइन में लगे थे, जब भी नहीं मिली रहा, दिन भर का खड़ा रहा, पूरा काकड़ा रू भी नहीं मिली रहा। हम यहाँ सुबह के खड़े हैं 7 बजे के, और ये हमने वोट मोदी जी को दिया है। मोदी जी राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करता है, और मोदी जी ने शिवराज जी को भी हराया था, और ये कमलनाथ जी के साथ भी सौतेला व्यवहार करता है, जिसकी वजह से हमको लाइन में लगना पड़ता है। एक पावती पे दो पैकेट दे रहे हैं, और यदि वो दो पावती लाते हैं तो दो हो रहे हैं, 4 दे रहे हैं। इससे क्या है कि वितरण प्रणाली में गड़बड़ी नहीं हो। किसी को ज़्यादा पैकेट चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा पैकेट चाहिए तो फिर दूसरी पावती उसके परिवार से लाए। इतनी भीषण धूप है, उसके बावजूद धूप में खड़े थे लोग किसान, अभी टेंट लगाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, टेंट लगा दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है। कितने पैकेट उपलब्ध है अपने पास और कितनी डिमांड थी? 15,800 पैकेट आए थे, जिसमें से 7,000 कल बट गए थे, और आज सभी किसानों को पूर्ति हो जाएगी। डिमांड कितनी है? डिमांड 4 जिले किसानों का आरोप है कि ब्लैक किया जा रहा है, किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, उनको जरूरत ज़्यादा की। किस जगह से ब्लैक हुआ? 730 में ली जा रही है, और इससे 1 रुपये में ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। क्या हमने किसानों की सुविधा को देखते हुए ये पैकेट ही रख लिए, क्योंकि ये जिले में सब कुछ जाते हैं तो काला बाजारी होने की संभावना है। यहाँ पे सभी किसान को, पूरे जिले के किसानों को आसानी से दिया जा रहा है। आसानी से तो लाइन क्यों लग रहा है? फिर लाइन इसलिए लग रही है कि एक किसान अकेला जाता दुकान पर 25-30 पैकेट ले जाता, जिससे गरीब किसान को पैकेट मिल नहीं पाता। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी है, और कोई शिकायत नहीं आ रही है, किसान आसानी से ले जा रहा है। किसान को मनचाहे तरीके से बीज कब तक उपलब्ध हो पाएगा? मनचाहे क्या मतलब, उसकी ज़मीन के हिसाब से बीज दे रहे हैं। अभी कोई ज़्यादातर किसानों को 8 से 10 पैकेट की आवश्यकता है, आप दे रहे सिर्फ 2 पैकेट। देखिए 2 पैकेट दे रहे हैं, वो पावती ला रहे तो 2 नहीं तो 4 दूसरी वेरायटी। अभी क्या है, एक और माल आने वाला है।